फोटो कैसा फोटो बोली पीछे को पीछे अरे बोले तो ये है यहाँ का गिरजा मंदिर और ये है नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है और देखो पानी यहाँ पे कैसा बह रहा है कितनी तेजी से। तो मंदिर की लाइन यहाँ से लगी हुई है और वहाँ तक लगी हुई है तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे आज, फिर कभी और आना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम लाइन में लगेंगे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आएंगे कभी और। नहीं नहीं आ जाओ इधर आ जाओ, उधर ही चलो। ये है यहाँ की नदी और देखना कितना तेज बहाव है इस नदी का। दर्शन तो नहीं हो पाए लेकिन यहीं से हम माता रानी को, है ना। और ये मंदिर कुछ ऐसे बना हुआ है बिल्कुल नदी के बीचों बीच है, ये इतनी चोटी पे बना हुआ है। तो अगली बार आएंगे हम दर्शन करने यहाँ, तो अभी हम जाते हैं घर को। क्या कह रहे थे आप, आ गया मंदिर घूम के? दर्शन हुए तेरे? नहीं मंदिर तो गए नहीं। मंदिर नहीं गए? क्यों नहीं गए मंदिर? पहले भी ऐसी हुआ और इस बार भी ऐसी हुआ, नहीं जा पाए हम मंदिर। पर जब माता रानी का बुलावा होगा ना तो हम तब जरूर जाएंगे, लेकिन आप जरूर आइएगा यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत सुंदर सा मंदिर है, तो आप ज़रूर से विजिट करिएगा। आज है संडे तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम दर्शन करने नहीं जा पाए, क्योंकि अगर हम लाइन में लगे रहते ना तो हमें शाम यही हो जाती, तो आज दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन बाहर से हमने माता रानी को प्रणाम कर दिया था, तो अभी जब भी हमें मौका मिलेगा वापस जाने, जब हम वापस दिल्ली जाएंगे तो फिर तब टाइम मिलता है तो तब चले जाएंगे, नहीं तो कभी और आ जाएंगे। ये इस जगह का नाम है सुंदरखाल ना। ये है कॉर्बेट का दूसरा गेट, यहाँ से एक गेट वो पीछे था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये वाला गेट दूसरा गेट है। बुआखाल क्या है यहाँ से? ये रहा गेट, यहाँ से देखो ऐसे जिप्सी लगी हुई है, देखो तो यहाँ से है अंदर जाने के लिए, यहाँ से सब लोग यहाँ से अंदर जाएंगे, इस वाले गेट से जो सामने दिख रहा है इस वाले गेट से जाएंगे सब। पूरा अंदर घना सा जंगल है तो वहीं सब जंगली जानवर जो भी हैं वहीं होंगे सब। और ये रहे यहाँ के खूबसूरत से पहाड़। अब आ गई और एक यहाँ पे ना एक पुल बन रहा है और इस पुल को बहुत टाइम हो गया, ये लॉकडाउन से बन रहा है, मतलब लॉकडाउन से पहले इसका काम शुरू हो गया था और अभी तक ये पुल अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको बनने में। तो क्योंकि यहाँ पे नदी का इशू रहता है ना कुछ, यहाँ पे जैसे बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी वगैरह आता है, तो इस वजह से यहाँ पे पुल बना रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका ऐसी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है नहीं बना अभी तक, बहुत ज़्यादा स्लो काम चल रहा है। पता नहीं अंदर को कहाँ ले जा रहे हैं पुल को, देखो देखना जरा पेड़ों के नीचे। तो ये है धनगढ़ी नदी, यहाँ पे ना बरसात के टाइम में बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे बाइक है तो वो बह जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उफान पे होती है नदी, बहुत पानी बहता है इसमें,
तो यहाँ पे भी बन रहा है ये पुल जो ऊपर से बन के बनते हुए आ रहा है, तो ये पुल वही बनेगा इसके ऊपर पूरा। अच्छा चिमटा खाल, तो यहाँ से जा रही है एक रोड इधर को, ये है चिमटा खाल, एक रोड इधर जा रही है और हम हमें जाना है सीधे सीधे। पहाड़ पे बना रखा है, तो हम पहुंच चुके हैं अभी मरचल और यहाँ से बस थोड़ा सा ही है, कितना लगेगा यहाँ से, आधा घंटा, आधा पौन घंटा लगेगा यहाँ से अभी। तो ये है मरचल, मरचुला, मरचल नहीं मरचुला बोलते हैं, मरचुला। और यहाँ से ये वाली रोड जा रही है गढ़वाल के लिए और ये वाली रोड जा रही है हमारे के लिए, यानी कि बीच में जो है उसके लिए जा रही है, ये गढ़वाल के लिए जा रही है ऊपर जो है, और कुमाऊं के लिए अभी और आगे से रोड जाएगी। पानी में काई होती बाबू, यहाँ से ये वाली रोड जा रही है कुमाऊं को और ये वाली रोड जा रही है किनगोड़ी खाल, दिगोली खाल, गोली खाल, बेरंग खाल, ये सब ये वाली रोड उधर को जाएगी और जो पीछे है वो वाली रोड कुमाऊं को जा रही है। वाह देखो कितना सुंदर सा गेट बना रखा है ये, और ये है ग्राम सभा सारुड़, ये मरचुल के पास है ये गांव, और कितना सुंदर सा गेट बनाया है और यहाँ से व्यू देखना कितना अच्छा आया है, और ये रहा गांव है, हाँ हाँ उस रोड पे आसमान देखो कितना नीला दिख रहा है। स्टैंड और उधर ना यहाँ पे हाँ फोटो कैसे क्या दिक्कत है, वो बोल रहे हैं हमने बोला हम चार वाली बस से आ जाएंगे, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से ना, मकान निकाले नदी निकाले रोड का देखो नीचे कितनी ऊपर रोड है, रोड कहाँ पर है, कहाँ है रोड ना, कहाँ है रोड, उधर है रोड और ये रहा गांव नीचे, तो ये लोग सब यहाँ से ना उतनी दूर इन लोगों को ऊपर है ऊपर वहाँ
पैदल जाना पड़ता है यहाँ से, और ये रही नदी नीचे। तब अरवा महिला संगीत हो जाल चलो, धूप लग रही है। ये यहाँ पे बेरंखल का मार्केट, और यहाँ से हमने नीचे जाना है यहाँ से, और यहाँ से पूरे ऊपर को जो जाएंगे तो बेरंखल, फिर आएगा गोली खान, ऐसे ही रोड बहुत ऊपर चली जाएगी और हम यहाँ से जाएंगे नीचे। ये यहाँ पे है ये मैनाकोट गांव, और इसके बाद आता है मेरा गांव, उधर दिख रहा जो वो मेरा गांव है। बाकी यहाँ से नीचे को जाएंगे तो खूब बड़ा सा गांव है मैनाकोट, और ये है यहाँ पे मेरा गांव कहाँ पे है, तो ये है यहाँ का पंदेरा। यहाँ पे यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, जो पाइप गया है ना वो उसमें टंकी में भी जाता है पानी, लेकिन कभी बर्तन से भरना हो तो यहाँ से, ये पंदेरा है यहाँ का, और इसके अंदर नेचुरल पानी आता है, पता नहीं कहाँ से दीवार के अंदर से, पहाड़ी के अंदर से, पता नहीं कहाँ से आता है। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव जहाँ पे शादी है, मेरा मायका भी है यहाँ और इनकी मौसी का गाँव भी है यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा ही दिख रहा है अभी, जो ऊपर ऊपर है ना घर वही दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिखेंगे कोई भी। और मेरे घर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ का, और यहाँ पे है मंदिर, तो और यहाँ से कुछ ऐसे है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है इधर। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आने वाली वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि शादी की वीडियोस में डालूंगी। आज है अभी महिला संगीत, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, और रात को है न्यू ईयर, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, फिर शादी है ना, फिर बारात, तो शादी बारात दोनों एक ही चीज़ है, तो फिर मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ बने रहे वीडियो में, आप अपना खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ गलती है तो उसको बताइए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।